बीच में हनुमान जी अकेले खड़े हो गए। हनुमान जी देख रहे हैं, हनुमान जी बड़े खुश हुए। हनुमान जी ने अपने पूंछ पटकनी चालू की, इतना जोर से फाट 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 आवाज आया, सारे पक्षी उड़ने लगे उसकी आवाज से। हनुमान जी ने वहां पे एक लोहे की परिद थी, परिद होता है एक लोहे का गोल हथियार होता है जिसके बीच में व्यक्ति खड़ा हो जाता है उसको लेके, और ऐसा ऐसा घुमा के उसको चलाता है, उसके शरीर में ही घूमता है चारों तरफ वो, और उसके पास जो आ गया सीधा कट जाता है, उसके नजदीक जो गया वो सीधा कट के दो हो जाएगा। उसके चारों तरफ लोहे सोने के दांत लगे होते हैं, और परिद को उसको तरीके से घुमाते हैं। एक ब्रह्मचारी मिला, वो परिद घुमा रहा था। मैंने बोला, भाई तुमने परिद कैसे घुमा लिया? तो बोला, अल्मीनियम का है। तो परिद पहन लिया हनुमान जी ने और परिद घुमाना चालू किया, और जब उसमें परिद लेके गोल गोल घूमे, 80,000 कट के गिर गए। हनुमान जी बोला, बस इतनी बात थी, थे 80,000, एक परिद से ही सब गिर गए। जैसे गरुड़ सांपों को पकड़ते हैं या गरुड़ सांपों के बीच डरते नहीं, वैसे ही हनुमान जी उनको बीच में दिखाई पड़ रहे थे। एक एक करके सब धड़ाधड़ सब कटते 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 हनुमान जी ने सबको वहीं पर काट दिया। ये विशेष विशेष प्रकार से सबको मार रहे हैं। जैसे ही ये खबर पहुंची, और जितने आसपास के राक्षस थे वो लोग दौड़ दौड़ के पहुंचने लगे। हनुमान जी खाली हाथ थे, कुछ लेके तो गए नहीं थे यहाँ से लड़ाई करने के लिए, कुछ तैयारी तो थी नहीं। अब हनुमान जी ने वहाँ पे चैत्य प्रसाद था, वहाँ पे एक बड़ा मंदिर था सोने का बना हुआ, उसका एक खंभा जो है खींच के वहाँ से हटा दिया। खंभा हाथ में आ गया, हनुमान जी ने खंभे को घुमाना चालू किया, आग लग गई। खंभे में आग लग गई और उसके बाद जो आ गए उसको सबको घुमा दिया उसी आग के साथ। वो सब जल के लंका में इधर उधर सब तरफ जलते जलते जाके गिर गए। सब सबको उन्होंने भगवान के धाम अयोध्या धाम पहुंचा दिया। हनुमान जी की ये हनुमान जी का एक हाथ का काम था। हनुमान जी सोचे, अब दूसरा बैच आएगा। जैसे ये खबर पहुंची, रावण के यहाँ कोहराम मच गया, और यहाँ पे हनुमान जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मैं रामदूत, मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान ऐलान करता हूं कि तुम लोग सीता को छोड़ दो, नहीं तो सीता के साथ, सीता अगर यहां रह गई तुम लोग सब मारे जाओगे। मैं तो एक वानर हूं, मेरे जैसे जैसे बलशाली अनेक हैं, मैं एक कमजोर हूं जिन्होंने दूत समझ के भेजा है। जब वानर आएंगे, जब सेना आएगी, जब सेनापति आएंगे, तुम्हारी जो गति होगी देखने लायक होगी। कहते कहते लोगों को उठा उठा के फेंक रहे थे इधर उधर। अरे मूर्खो, ऐसी गलती तूने की है, और तेरा ऐसा मूर्ख राजा है, और ऐसे मूर्ख राजा के तुम संतति हो कि तुम लोगों का कहना ही क्या है। और लगा लगा के किसी को थप्पड़ भी मार रहे हैं, कोई थप्पड़ से मर रहा है, कोई गर्जना से मर रहा है, ऐसी गर्जना कर रहे हैं कि जो सामने आ गए वो सारे बेहोश होकर गिर जा रहे। अब जब ये खबर फैली, रावण ने जांबू माली उसको भेजा। प्रहस्त का पुत्र था, प्रहस्त एक बड़ा सेनानायक था रावण के दरबार में। जांबू माली गधे के रथ पे जुता हुआ था, निकला वहाँ जैसे अपने यहाँ से। वो तो बस रुका हुआ था कि बस ये लोग हार के आए कि मैं जाऊँ। राक्षसों के बीच में ऐसा होता है कि वो ना मार पाए तो मैं मारूंगा तो नाम मेरा फैलेगा, लेकिन देवताओं के बीच में या भक्तों के बीच में होता है कि हम मारे या कोई मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टीम प्लेइंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये सब रावण के जो अनुचर हैं सब अपना अपना दिखाना चाह रहे हैं, कोई ये नहीं चाह रहा है कि रावण जीते, सब ये चाह रहे हैं कि मेरा नाम हो कि मैंने मारा है। इसलिए जो पहले मर गए तो अच्छी बात है, मैं अभी जाता हूँ, ये इनका भाव ऐसा है। जांबू माली जब ऐसे निकला, वहां जाके उसने वहां पे चट वहां पे जाके उन्होंने बाण छोड़ने चालू किए, और इधर उधर हनुमान जी को कहीं पे दो बाण, कहीं पे तीन बाण, ऐसे सब लगते गए। हनुमान जी ने एक बड़ा चट्टान उठाया, जांबू माली की तरफ दे मारा। चट्टान हवा में, जब तक जांबू माली को छूता था, जांबू माली उसको हवा में तोड़ तोड़ के उड़ा दिया पूरा का पूरा। हनुमान जी का वार विफल गया। हनुमान जी ने साल का पेड़ उठाया, एक साल का पेड़ जो खड़ा था उसको सीधा उखाड़ लिया, उखाड़ के सीधा वो जांबू माली पे फेंका। जब तक जांबू माली तक पहुंचता, जांबू माली उसको उड़ा के उसको हजारों हजारों टुकड़े कर दिए। जांबू माली देखता रहा, हनुमान जी देखते रहे। पांच बाण उनके भुजाओं पे चलाया, एक बाण उनके छाती पे, 10 बाण यहाँ पे बीच पे लगा दिया, यहाँ पे स्टर्नम यहाँ पे बीच में लगा दिया। हनुमान जी को गुस्सा आ गया।
हनुमान जी ने परीद उठाया, परीद उठा के उसको बहुत वेग से घुमाया और हाथ पे लेके परीद को घुमा के उस पर दे मारा। जामू माली के गधे, उसका रथ, सारे के सारे कहाँ गए पता ही नहीं चला, कुछ दिखा नहीं। हरे कृष्ण। लेकिन जो लोगों ने देखा था वो लोग दौड़ के गए, हुजूर जामू माली गया। ये सुनते ही उसने मंत्रियों की तरफ देखा, उनके सात पुत्र वहां वेट कर रहे थे कि कब ये जामू माली मरे कि हम जाएं। जामू माली के मरते ही ये सात मंत्री के पुत्र वहां से निकले और वो गर्जना करते हुए बड़ी सेना लेके गए, घोड़ों से जुते हुए रथ थे उनके। ये अलग अलग बैच हुआ करते थे, घोड़ों वाले, गधों वाले, खर वाले, अलग अलग जुते हुए रथ होते थे। जब ये लोग वहाँ पे दौड़ के गए, हनुमान जी ने देखा इतनी सारी सेना आ गई है, अभी क्या किया जाए। तो हाथ में हथियार नहीं था, हनुमान जी ने उनको पकड़ना चालू किया, छाती से छाती दबा के मार दिया किसी को, लोगों को पकड़ा, लोगों की जंघाओं से जंघाओं को दबा के मार दिया, सर से सर लगाया ऐसा करके मार दिया, इस तरह से करके सबको मारना चालू किया और गर्जना करना चालू किया। खूब जोर जोर से गरजने लगे, लोग मरने लगे। वहाँ पे थोड़ी देर में खून की नदी बह निकली, सारे के सारे सात के सात मंत्रियों को पुत्र मारे गए। खबर रावण के पास पहुँची, रावण अब सोचने लगा यहाँ कुछ गलती है, कुछ हो रहा है, ये वानर के अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई, कुछ है। उसने पांच बड़े अपने सेनापतियों को बुलाया, दुर्घस, युपाक्ष, विरूपाक्ष, प्रघश, भाष्कर्ण, पांचों को बुला के कहा, अरे मुझे तो लगता है ये वानर नहीं, ये इंद्र ही वानर का रूप धर आया है, तुम लोग इसको वानर मत समझना, ये कुछ चाल है, ये देवताओं की तपस्या का फल है, देवताओं का फल ही तपस्या ही वानर के रूप में प्रकट हुआ है, तुम लोग जाके इसको देखो और इसको पकड़ के लेके आओ। अरे मैं सबको जानता हूँ, बाली को जानता हूँ, सुग्रीव को जानता हूँ, द्विविध को जानता हूँ, जांबवान को जानता हूँ, अरे किसी में इतनी शक्ति नहीं, किसी वानर में ऐसी शक्ति नहीं जो इसके अंदर देख रहा हूँ, ये हो ना हो ये कोई देवता है या सारे देवता ही मिल के आए हैं और हमने पहले देवताओं को हराया है, इसमें इसने क्या किया है जरा देखो जरा जाके। अब ये पांचों मंत्री, पांचों सेनानायक वहां पे लड़ाई के मैदान की तरफ कूच करके निकले, बड़े उत्साह से वहां जब गए, घोड़े से जुते हुए रथों को लेके वहां पहुंचे, हनुमान जी वहां पे फाटक पे ही बैठे थे, मांडे वाल के मांडे पालती मार के हिंदी में आराम से बैठे थे कि अब कौन है अगला, आराम से बैठे थे। जरा आए, दुर्घर आया पहले आगे, उसने रथ लगाया और वहां से लड़ाई होनी चालू हो गई। दुर्घर और हनुमान जी आकाश में कूद रहे हैं, एक दूसरे को कूद रहे हैं, दुर्घर और हनुमान जी कूद रहे हैं, दोनों तीर लगा रहे हैं, लग नहीं रहा है, निशाना लगा रहे हैं, चूक रहा है, और हनुमान जी खाली हाथ घूम रहे, बस दुर्घर मारे जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हनुमान जी ने दुर्घर के घोड़ों को पकड़ा, उसको उठा के पटक दिया अलग, उसके घोड़े के जो नायक थे उनको पटक दिया, रथ को तोड़ के फेंक दिया और दुर्गर को उठा के जमीन में पटक दिया, दुर्गर वहीं पे घर कर गया। हरे कृष्ण। ये देखते ही विरूपाक्ष और युपाक्ष ये दोनों मुदगर लेके दौड़े, और जैसे ही उन्होंने मुदगर लेके दौड़े रथ पे उड़ के, हनुमान जी ने देखा कि हवा में लड़ाई नहीं करेंगे, हनुमान जी जमीन पे कूद गए, और जमीन पे जब कूद गए तो उन्होंने एक साल का वृक्ष को उखाड़ा और जमीन से ऐसा जोर से मारा, एक ही बार में विरूपाक्ष युपाक्ष दोनों ही चले गए। इसके बाद प्रघस हंसता हुआ आया, ये नंबर पांच था, उसने हाथ में पट्टीस ली, पट्टीस होता है एक लंबा हथियार होता है और बीच बीच में उसमें ऐसा एक चौड़ा लंबा होता है और बीच बीच में उसमें धार वाले उपकरण लगाए होते हैं, ऐसा 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 ऐसा, ये अलग अलग एंगल से पट्टीस को लगाए जाते और ऐसा लंबा उपकरण होता है। पट्टीस लेके प्रगत हंसता हुआ आया, बड़ा कॉन्फिडेंट था वो, और साथ में भास्कर्ण पांचवा ये था,
वो हाथ में सूल लिए खड़ा था। सूल होता है सीधा, लंबा होता है और आगे नुकीला होता है, रॉड के जैसा और आगे तेज होता है, सूल होता है, सब सोने के या लोहे के। और ये लेके जब वहाँ लड़ाई करने निकले, दोनों साइड से आए, हनुमान जी ने एक पर्वत का शिखर लिया, एक पर्वत का शिखर हिला दिया, उठा के ऊपर से दे मारा, नीचे ही दोनों दब गए। भास्कर और प्रगस हंसते हंसते ही गोलोक धाम की तरफ चल गए। हनुमान जी की जय। इसके बाद जो योद्धा बच गए, घोड़ों से घोड़ों को मारा, हाथियों से हाथियों को मारा, सेना से सेना को मारा, और रथ को रथ से उठा के टकरा दिया, सारी सेना उधर ही खत्म हो गई। हनुमान जी कहे नेक्स्ट। ये खबर जब गया, रावण आग बबूला हो गया, आग उसके आंखों से, आग उसके कानों से, आग उसके नाकों से और मुखों से निकलने लगा, चिंगारियां निकलने लगी उसके आंखों और कानों से। अक्षय कुमार की तरफ उसने देखा, अक्षय कुमार उसका पुत्र था। अक्षय कुमार तो राह ही देख रहा था कि कब मुझे चांस मिले। अक्षय कुमार देखते ही चला गया, पूछा भी नहीं कि जाऊं कि नहीं जाऊं। इसको कहते हैं नादानी। अक्षय कुमार दौड़ के निकला और निकलते ही वो रथ पे दौड़ के चढ़ गया और वहां एकदम जोर से रथ को घड़घड़ाते हुए रथ की घरघराहट होती है, चक्कों की घरघराहट, उन घरघराहटों के साथ वहां पे पहुंचा। और वहां पहुंचते उसने मेघ वर्षा करने लगा, वान इतने छोड़े कि पानी बरस रहे थे, ऐसा दिखाई पड़ने लगा। हनुमान जी ने मेघ गर्जना चालू कर दी, एक तरफ मेघों की वर्षा, एक तरफ मेघों की गर्जना, बारिश का मौसम आ गया। बारिश लेकिन बानों की हो रही थी और आवाज बैकग्राउंड म्यूजिक हनुमान जी दे रहे थे इस तरह से, और हनुमान जी उन बानों के बीच में हवा की तरह पार हो रहे थे। बाद में वो बानों को ओले की तरह फेंकने लगा। बारिश में और ओलों में थोड़ा फर्क है, अगर आप बारिश में जाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और ओलों में जाएंगे तो आपको चोटें लगेंगी, तो वो उस तरह के बाण फेंकने लगा, ओले के तरह बाण और उनकी बरसात होने लगी और हनुमान जी हवा के तरह सबसे पार होने लगे। अक्षय कुमार उड़ने लगा, हनुमान जी भी उड़ने लगे, अक्षय कुमार पीछे पीछे, हनुमान जी आगे आगे, या अक्षय कुमार आगे आगे, हनुमान जी पीछे पीछे, दोनों को कहीं पकड़ में नहीं आ रहे, हवा में जा रहे हैं, इधर जा रहे, ऊपर जा रहे, नीचे जा रहे, कहीं से भी पकड़ में नहीं आ रहे। हनुमान जी समझे ये बड़ा वीर है। अक्षय कुमार ने बाण साधे, हनुमान जी के मुख पे लगा दिए, गालों पे लगाए, छाती पे लगाए, हाथों पे लगाए, सारे शरीर से खून खून निकलने लगा। हनुमान जी के चेहरा तो ऐसा ही लाल है, और जब ये खून निकलने लगा, हनुमान जी ने कहा वाह ये दम वाला आदमी है। वीरों के अंदर ऐसी बातें हुआ करती, वीर जब मार खाते हैं तो सामने वाले को उधर ही वाह बोलते, अरे वाह क्या मारा है। हनुमान जी ने कहा वाह ये है कोई दम वाला, इसमें कुछ दम है, अभी तक सब आए थे ऐसे ही थे, चटनी वाले सबसे वैसे ही चटनी बन गए सब ऐसे ही कैसे। अक्षय कुमार और चिल्लाते जा रहा है और हनुमान जी बोले अरे मैं रामदूत हूँ, रामदूत तुम लोगों का काल हूँ, आज तुम लोगों को मार के लंका को डुबा के जाऊंगा। और सारे राक्षस हिल रहे हैं, कांप रहे हैं, लंका में ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है, कह रहे आज मैंने देख लिया है तुम पापियों का आज नाश होने वाला है, अरे मूर्खों। और इस बीच में वो तीर भी चला रहा है। अक्षय कुमार और हनुमान जी की ये आंख में चोली चलते रही, हनुमान जी ने उसके घोड़ों को पकड़ा और घोड़ों को नोच के वहां से उठा के नीचे फेंक दिया, सारे घोड़े धाड़ से गिरे उधर ही मर गए। रथ का एक्सल निकाला, चक्के खोल दिए और वो भी फेंक दिया अलग से, रथ भी गिर गया। जब चक्के ही नहीं रहे, रथ और घोड़े ही नहीं रहे, तो रथ कहाँ टिकेगा। अक्षय कुमार हवा में जाके खड़ा हो गया, जैसे कोई सिद्ध पुरुष खड़ा हो जाता है, और हवा में उसने घूम घूम के वहां से तीर मारना चालू किया। और हनुमान जी इधर उधर 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 जा रहे हैं और अक्षय कुमार हवा में इधर उधर जा रहा है, अपनी वो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इससे तीर ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी घटाओं के बीच, मेघों के बीच जाके अटक गए। लेकिन कभी इधर दिखते हैं, कभी उधर दिखते हैं, कभी ऊपर दिखते हैं, कभी नीचे दिखते हैं, कभी अक्षय कुमार के पीछे दिखते हैं। हनुमान जी हर जगह दिख रहे हैं, केवल उसके सामने नहीं दिख रहे। अक्षय कुमार जिस तरह से जब करा था, हनुमान जी ने सोचा अगर मैं इस बालक को समय दूंगा तो ये इसकी उत्साह बढ़ती ही जाएगी और अक्षय कुमार फिर विकराल होता जाएगा। हनुमान जी का ये समय देना अच्छा नहीं। अक्षय कुमार आगे बढ़ा, हनुमान जी आगे बढ़े,
हनुमान जी आगे बढ़ के उसको पकड़ लिया, उठा के उसको उसके दोनों पैर को पकड़ लिया और ऐसा घुमाना चालू किया। हजारों बार उन्होंने एक सेकंड में घुमा दिया उसको, और घुमा के ऊपर से ऐसा ठाड़ पटका, अक्षय कुमार के पैर फट गए, उसके हाथ टूट के निकल गए, आँख निकल गए, हड्डियों का चूरा चूरा हो गया, उसके अंग छत बिछत सारे एक एक बोन अलग अलग दूर दूर जाके गिरे, सर सर सब कुछ फट गया, एक भी चीज़ एक जगह नहीं रही, अक्षय कुमार मारा गया। हनुमान जी की उसके बाद जो घोड़े वोड़े बच गए थोड़े इधर उधर जो लोग आए थे, हनुमान जी ने उनको थप्पड़ से मार के सबको उनको अंत तक पहुंचा दिया। अक्षय कुमार के जाने के बाद रावण को फिर से खबर आई, रावण के मंत्रिमंडल में बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। रावण ने इंद्रजीत की तरफ देखा, हला इंद्रजीत ये अक्षय तो जयंत के जैसा शक्तिशाली था, इंद्र के पुत्र जयंत के जैसा ही अक्षय कुमार शक्तिशाली था, ये मारा गया। रावण उसके कान में कहने लगा, ये कोई साधारण वार नहीं दिखता है, इंद्रजीत तुम सेना लेके मत जाओ, ये सेना का काम नहीं, किसी तरह इसको बंदी बनाओ, बंदी बना के लेके आओ। इंद्रजीत मुझे तुम्हें से बहुत स्नेह है, लेकिन क्षत्रिय धर्म मुझे कह रहा है कि तुम्हें ही जाना पड़ेगा। इंद्रजीत जाओ, ये टेररिस्ट लोग ऐसे ही रहते हैं, सबको मरवाते हैं और बाद में खुद मरते हैं। तो ये टेररिस्ट लोग की जो परंपरा है उसके आदि गुरु जो हैं वो रावण आचार्य हुए, बाद के जो टेररिस्ट हुए सब छोटे छोटे बच्चे टेररिस्ट आए। इंद्रजीत निकला सिंह के रथ से जुता हुआ, चार सिंह थे उसके रथ पे जिसकी वजह से दौड़ता था, ये कोई साधारण राक्षस लोग नहीं थे, ये लोग सिंहों को पकड़ पकड़ के ऐसे ही खा जाते थे, तो सिंह से जुते रथ पे बैठना उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। सिंहों के रथ पे दौड़ता हुआ गरुड़ के वेग से आया हो, विनीता नंदन गरुड़ जिस वेग से चलते हैं उस वेग से इंद्रजीत उड़ रहा था, मतलब रावण के दरबार से निकलते ही हनुमान जी के पास पहुंच गया, समय नहीं लगा उसको पहुंचने में, मतलब बिजली की स्पीड से चल रहा था, जिस स्पीड से बिजली चलती है उससे भी तेज स्पीड से चल रहा था, बिजली के चकाचौंध से उस स्पीड से निकला। जैसे ही वो सामने आया बाणों की बरसात उसने शुरू कर दी, और हनुमान जी फिर से इधर उधर घूमने लगे। इस बार हनुमान जी ने एक अलग ट्रिक निकाला, हनुमान जी उसके सामने खड़े हो गए और बातें करने, अरे इंद्रजीत मूर्ख, अरे रावण पुत्र तू क्यों मरने आया है, तेरा पिता कहाँ है, और इस तरह से जब वो बांध छोड़े तो फिर भाग जाए। फिर सामने आके बोले, अरे इंद्रजीत, अरे मैं सुग्रीव का दूत हूँ, दूत। अरे दूत होके तुम लोग इतना डर रहे हो, अरे जब सेना आ जाएगी तब तुम क्या करोगे, जाके अपने पिता को समझाओ, समझा के कहो भेज दे, नहीं तो सब जाएंगे, फिर तीर मारे फिर उड़ उड़ जाए। इंद्रजीत ने अलग अलग बाणों का संधान करना चालू किया, सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए सब विफल होते गए। इंद्रजीत ने समझा अब मुझे ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, मन की शक्ति को पूरा लगाया, पूरी शक्ति लगा के एक बार ही ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने की शक्ति थी उसके पास, उसने एक बार पूरा मंत्र लगा के आह्वान करके ब्रह्मास्त्र को पकड़ किया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया हनुमान जी की तरफ। और हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को आते देखा, ब्रह्मास्त्र की गरिमा को समझा उन्होंने, ब्रह्मा जी के शक्ति को उन्होंने देखा उसके अंदर और उसको प्रणाम किया, प्रणाम करते ही ब्रह्मास्त्र जो है उनको बांध लिया, बन गए हनुमान जी। हनुमान जी के बनते ही राक्षसों के बीच बड़ी खुशी मन गई, बन गया अरे बन गया बन गया, सब लोग आ गए, कोई घूसा मारने लगा उनको, कोई मुक्का मारने लगा, मतलब एक ही है और लोग अलग अलग बातें करने, अरे वानर इधर कैसे आया। और उसमें से बाकी राक्षसों ने क्या किया, वो वलकल की रस्सी बना के लेके आए, वलकल होता है पेड़ों की छाल, उनकी रस्सी बना के लेके आए, इंद्रजीत को पूछा नहीं, मेघनाथ जो उसका नाम, उसको पूछा नहीं, बिना पूछे ही हनुमान जी को उन्होंने वलकल की रस्सी से बांध दिया। अब होता यूं है कि ब्रह्मास्त्र की महिमा को बनाए रखने के लिए जब ब्रह्मास्त्र किसी को बांधा है तो कोई और रस्सी नहीं बांधी जा सकती, ये उसकी गरिमा का अपमान हो जाता है।
जैसे ही उन्होंने वो रस्सी बांधी, ब्रह्मास्त्र खुल गया, इंद्रजीत ने माथा पीटा। तो कभी कभी मूर्ख चेले अगर रहे तो गुरु को ज्यादा फायदा नहीं होता है मूर्ख चेलों को रख के। एक बार एक आदमी एक बंदर को नौकर रखा, नौकरी पर रखा था उसने, और बंदर को जो नौकरी पर रखा था वो सो गया, तो उसके ऊपर एक मक्खी आके बैठ गई नाक के ऊपर। बंदर ने ऐसा किया, उसको मक्खी उड़ गया, फिर से आके मक्खी वो नाक पे बैठ गया। बंदर ने बाया हाथ लगाया, फिर से मक्खी उड़ गया। बंदर बार बार कर रहा, मक्खी उड़ के वापस नाक पे बैठ रहा है। मक्खी का ऐसा स्वभाव, जहाँ से उड़ा उधर ही बैठ जाती। बंदर समझा कि अभी क्या करना चाहिए, बगल में एक तलवार रखा था, बंदर ने तलवार उठाया, मक्खी पे निशाना लगाया, लगा दिया उसने एक तलवार, मक्खी उड़ गई, नाक कट गई। इसलिए मूर्ख शिष्य नहीं रखने चाहिए, नहीं तो फिर ऐसे जो मालिक होते हैं मूर्ख शिष्यों के, बड़े नुकसान में जाते। इंद्रजीत के पास भी ऐसे मूर्ख लोग थे, बिना पूछे कहे अपने मन की बात करते थे, विम्सिकल बिहेवियर बोलते हैं इसको। इस तरह उनको बांध दिया। अब हनुमान जी ने सोचा, क्योंकि मुझे इन लोगों ने बांधा है, ये बड़ा अच्छा मौका है रावण तक पहुंचने का, अगर मैं यहाँ खोल के निकल जाऊंगा तो ये मौका गंवा दूंगा। हनुमान जी इस तरह से सोचे कि चलो इसी में चलते हैं साथ में। बंधे थे हनुमान जी, और उस बंधन के साथ वहाँ से निकलने लगे और जाने लगे। सब राक्षस लोग वहाँ पर उनको मार रहे हैं, घूसे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, और हनुमान जी मन में भगवान की, भगवान को याद कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर रघुवर तुमको मेरी लाज, रघु सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा तुम हो गरीब निवाज रघुवर, तुम हो पतित उधारन बिरद तिहारो, पति पतित उधारन बिरद तिहारो, आप पतित उदाहरण हो, पतितों के तारण करने वाले हो। श्रवानन सुनी आवाज, जो भक्त पुकारते हैं उनकी आवाज़ भगवान सुनते हैं। हूँ तो पतित पुरातन कहिए, ऐसे तो हम जीवात्माएं पुरातन समय से पतित हैं, कोई नए पतित नहीं, खानदानी पतित हैं। पार उतारो जहाज, हमारे जहाज को पार उतारिए। पतित उधारन विरद तिहारो, श्रवणन सुनी आवाज, हूँ तो पतित पुरातन कहिए, हूँ तो पार उतारो जहाज, अघ खंडन। अघ कहते हैं पाप को, दुख भंजन, भंजन मतलब तोड़ना,
दूर करना, पाप तोड़ना और दुख हटाना, यही आपका काम है प्रभु, सबको यही करते हैं। तुलसीदास जो कवि हैं लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, कृपा कीजिए, कृपा करिए, भक्ति दान देहु आज, आज मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। अगखंडन दुख भंजन जन के अगखंडन दुख भंजन जन के अग यही तिहारों का तुलसीदास पर कृपा कीजे, तुलसीदास पर कृपा कीजे, भक्ति दान दे हुआ रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर हनुमान जी मन में भगवान को याद करते हुए चल रहे हैं, हालांकि बंदे हैं लेकिन घबरा नहीं रहे, प्रभु को प्रार्थना जरूर कर रहे हैं और मन में रघुनाथ जी के चरणों को याद करते हुए चल रहे। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुनम, श्री राम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुनम, कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, पट भगवान के कपड़े कैसे हैं, पटपीत एकदम पीली रेशमी कपड़े जो पहने हैं कैसे दिखाई पड़ते हैं, पटपीत ही मानो तड़ित रुचि, तड़ित कहते हैं बिजली को, बिजलियां जो चमकती है भगवान के कपड़े जहां जहां मुड़ते हैं वहां से बिजलियों के चमकने की आभा दिखाई पड़ती है, पटपीत मानो तड़ित कपड़े अगर हमारे मुड़े हैं तो कहीं से बिजली नहीं निकलती है ना, पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम, हम नौमी प्रणाम किनको कर रहे हैं, जनक सुतावरम, जनक की सुता बेटी उनके जो वर हैं रामचंद्र जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। भजु दीना बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम, आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, श्री
संग्राम नित। सिर पे मुकुट है, कुंडल है, तिलक चारु, सुंदर तिलक है, उदारु अंग विभूषणम। उनका जो अंग है, उनके अंग की शोभा इतनी है कि भूषणों को भी शोभा दे रही है। उदारु अंग विभूषणम, आजानु भुज, उनके हाथ इतने लंबे हैं कि वो उनके घुटने तक आ रहे हैं। सर चाप धर, उनके हाथों में चाप धनुष है, उसको धरे हैं। संग्राम जब करते हैं तो जित खर दूषणम, जीत जाते हैं किनको, खर और दूषण को जीत जाते हैं। इति वदति तुलसीदास शंकर से समुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मेरे हृदय के कमल पे कंज निवास करु, करिए काम आदि खल दल। काम आदि के जो खल के जो दल हैं, खल कहते हैं झूठे अनर्थ को, खल कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह का जो खल है, जो झूठे चीजें हैं, उसका कमल जो मेरे हृदय में खिला हुआ है। काम आदि खल दल गंजनम, गंजन कहते हैं जब हाथी पत्तों को, जो हाथी जब जंगल में चलता है और सबको तहस नहस करता है, उसको गंजन कहते हैं, और किसी को गंजन नहीं कहते। गांज देता है उसको, जो चल के पूरा उसको मुरझा देता है, उसको पूरा उसका उसको उदास कर देता है, उसको कहते हैं गंजन। हाथी जब कमल पे चले तो कमल की क्या हालत होगी, है ना। तो कहते हैं कि मेरे हृदय के कंज में निवास करिए और काम आदि खल दल को गंज कर दीजिए, उसको गांज दीजिए, उसका जो है फिर से वो कभी उठे ही नहीं। ऐसी भाव से ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हनुमान जी चले प्रार्थना करते हुए, मन में बस प्रभु को याद कर रहे हैं और किसी को तो याद कर नहीं रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी वल्लभ जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। हा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, पतित पावन सीताराम। हनुमान जी प्रार्थना करते करते चल रहे हैं, उनको वलकल की रस्सियों से बांधा हुआ है, लोग उनको बोल रहे हैं, और इंद्रजीत मन ही मन राक्षसों को डांट रहा है, ऊपर से भी कुछ को डांट रहा है, अरे मूर्खो तुम लोगों ने क्या किया, मेरा सहारा किया, किराए पे पानी फेर दिया, अब ये कब खुल के भाग जाएगा, भाग गया तो फिर से कैसे पकड़ेंगे। और हनुमान जी भी बंधे हुए हैं, नाटक कर रहे हैं कि मैं बंधा हुआ। इस तरह से जब उनको वहां पे लेके आए, हरे कृष्ण, तो वहां पे हनुमान जी रावण के ऐश्वर्य को देख रहे हैं, रावण की ऐश्वर्य की सीमा को देख रहे हैं, कैसा दिख रहा है। रावण के ऐश्वर्य के बारे में कह रहे हैं, हरे कृष्ण, जैसे मंदराचल पर्वत, जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर सांप निकले और मंदराचल कैसा सोने का पर्वत दिखाई पड़ता है, वैसा ही रावण वहां बैठा हुआ था। उसका चेहरा चंद्रानंद, चंद्रमा की तरह खिला हुआ और चमकीला दिखाई पड़ रहा था। जैसे पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख के ऊपर, या प्रातः काल का सूर्य अगर बादलों के बीच कैसे निकलता है, लाल लाल सूर्य,
वैसा ही उसका चेहरा जो है, हालांकि वो काला था लेकिन उसकी तेज जो है, अगर सुबह के बादल के पीछे से सूर्य निकला हो तो कैसा चमकता दिखाई पड़ता है, ऐसा रावण दिखाई पड़ रहा था। उसके दोनों हाथ ऐसे लग रहे थे कि कोई बीच में एक पर्वत हो, मंदराचल पर्वत, और उसके दोनों साइड से दो सांप उसकी सेवा कर रहे हों जिसके पांच फन हो, ऐसा रावण दिखाई पड़ रहा था। और उसके चारों तरफ चार मंत्री बैठे थे, ऐसा दिखाई पड़ता था पृथ्वी के चारों तरफ चार पृथ्वी जो है और उसके चारों तरफ चार सागर हैं और बीच में एक पृथ्वी ऐसी निकली बैठी, ऐसा रावण दिखाई पड़ रहा है। बीच में कोई मेरु विराजमान हो, सोने का एक पर्वत विराजमान हो, ऐसा तेज दिखाई पड़ रहा था। हनुमान जी ने ऐसे व्यक्ति को पहली बार देखा अपने जीवन में, काला कलूटा कोयले के जैसा और चमकीला सूरज के जैसा, चेहरा चंद्रमा के जैसा, हाथे अजगर के जैसे पांच फन वाले और शरीर पर्वत जैसा और बीच में चमकीला हीरा पहना हुआ, बीच में काला रावण मौजूद था। रावण जो है सोचने लगा, अरे ये कोई नंदी तो नहीं, ये वानर तो नहीं दिखता। नंदी जो था, जब हनुमान जब रावण वहाँ गए कैलाश उठाने के लिए, नंदी ने उसको ऊपर से दबा दिया था। उसको लगा कहीं नंदी तो वानर रूप लेके नहीं आया है, नंदी ने श्राप दिया था कि तेरे को वानर मारेंगे, और वानर को देखा तो उसने नंदी को याद किया। अब उसको दूसरा याद आया कि कहीं बानासुर तो नहीं आ गया। बानासुर कृष्ण भगवान की लीला में आते हैं, बानासुर है ना, कि बानासुर तो नहीं आया है वानर का रूप धर के, इतना बलशाली और कौन हो सकता है जो मेरे राज्य में आ जाए। अब ये अलग अलग चीज़ों से सोच रहे हैं और यहाँ पे सब राक्षस लोग हल्ला कर रहे हैं पीछे से, मारो जलाओ नहीं तो खा जाओ, अलग अलग लोग नारे लगा रहे हैं इसके ऊपर से, और राक्षस उसको देख रहा है। अब रावण ने उनको सामने रखा, हनुमान जी सोचने लगे, यद धर्मो न बलवान स्थास्यम राक्षेश्वर स्थादयम सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। अरे अगर ये व्यक्ति डिवोटी होता, अगर ये व्यक्ति भक्त होता तो कितना बलशाली होता था, ऐसा पावरफुल आदमी है लेकिन अधर्म पे चल रहा है, आधार्मिक है, आधार्मिक होने के कारण कुछ काम का नहीं रह गया। अगर ये डिवोटी होता तो ये इंद्र की रक्षा भी कर सकता था, इसके सामने इंद्र क्या है, उसके ताकत का अंदाजा हनुमान जी लगा रहे हैं कि क्या ताकतवर व्यक्ति है। यस्य क्रूरेर निशंसस्य कर्म भीर लोक कुत्सिते, इतना निशंस कर्म किया है, ऐसे क्रूर क्रूर कर्म किए हैं, लोक कुत्सिते, लोग इसको गालियां दे रहे हैं, पूरा संसार इसको रावण के नाम पे गाली दे रहा है। सर्वे विभ्यति, सारे लोगों को डरा के रखा है। खलव समात लोका सामर दानवा, पूरे लोगों में ये खल के नाम से प्रसिद्ध है, विलेन के नाम से पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध रावण यही है, पूरे ब्रह्मांड का नंबर वन विलेन यही है मेरे सामने जो बैठा है, ठीक है, जिससे सब डरते हैं। इंद्र उनके यहाँ सब्जी काटते हैं, वरुण झाड़ू लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि देवताओं की सेवाएं ऐसे निर्धारित रहती है उनके उनके दरबार में। इति चिंता बहुविधाम करोन मतिमान कपि, कपि ऐसी चिंता करने लगे अपने मन में कि ऐसी बात है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति है। दृष्टवाम राक्षस राजस्य प्रभावम अमित तेजसो, अमित तेज देखा इसका, कोई कल इसकी सीमा नहीं, ऐसी तेज को, ऐसे तेज को उन्होंने देखा, इतना पावरफुल व्यक्ति है, इसको हराना इतना आसान नहीं होगा, इसे लड़ना भी आसान नहीं होगा, ये बहुत भारी चीज़ है। हनुमान जी इस तरह से अपनी वो निकाल रहे हैं। तमुद वीक्ष महाबाहु पिंगाक्ष पुरत स्थितम, महाबाहु के सामने पिंगाक्ष भूरी आंख वाले हनुमान जी महाबाहु के सामने आके बैठ गए। एक तरफ लाल आंखों वाला काला कलूटा और हीरे के जैसा चमकता हुआ रावण, दूसरी तरफ भूरी आंखों वाले तेजोमय वानर हनुमान, आमना सामना, आमने सामने हैं, सामने सामने हैं, एक दूसरे के आमने सामने। रोसने महता अविष्टो रावणो लोक रावणः, इतना गर्म हुआ, इतना महता अविष्टो, रोष से महता अविष्टो, गुस्सा कितना हो गया, महत, महत मतलब उसका कोई हिसाब नहीं, हिसाब से बाहर गया उसका गुस्सा। महता अविष्टो रावणा लोक रावणा, रावण का नाम रावण इसलिए था कि लोक रावणा, लोगों को रुलाता था,
उसका नाम था रावण, जिसके नाम से सब रोए, सब रोते थे, ठीक है। महता लोको लोक लोक रावण, लोगों को रुलाने वाला रावण था, सामने सामने खड़े थे। स राजा रोसत ताम्राक्षम, तांबे के जैसे जैसे आंखें हो गई उसकी गर्म गुस्से से। प्रहस्तम मंत्री संत मतम, सारे मंत्रियों के साथ बैठा हुआ, काल युक्तम वाचेदम वचो विप्लम अर्थवत, अर्थ के साथ प्रहस्त की तरफ देखा, बोला पूछ कौन है ये जो बहुत भारी लोग होते हैं सामने सामने ऐसे पूछते नहीं, अपने असिस्टेंट रहते हैं, हालांकि सामने खड़े हैं हनुमान, लेकिन प्रहस्त को बोले पूछ कौन है, क्यों आया, किस लिए आया, ये पूछ इससे। तो दुरात्मा कह रहे, ये दुरात्मा से पूछ मंत्री, ये है कौन, क्यों इसने हमारे वन को तोड़ा, इसने भोले भाले राक्षसों को क्यों मारा, उन राक्षसों ने इसका क्या बिगाड़ा था, जरा पूछ इसको, ठीक है, मेरी पूरी को इसने ध्रष्ट कर दिया, कौन है ये, मेरे बारे में इसको पता नहीं। जानऊ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्त्र बाहुशन परी लड़ाई। हनुमान जी कहने लगे, अरे हमको पता है आप कौन हो, आप उसको क्या बोल रहे हो, हमको पूछो, हम बताते हैं आपके बारे में, अभी आपके बारे में जानते हैं, आप सहस्त्र बाहु से लड़े थे ना। समर बाली सन करी जसु पावा, अरे बाली के साथ लड़ाई करके आपको जस मिला था, क्या जस मिला था आपको, बाली से लड़ने के बाद बाली ने आपको कांख में दबाया था, वही तो जस मिला था आपको। ये हिस्टोरी सार्कास्टिक है। समर बाली सन करी जस पारे, जस जो आपको मिला था बाली से लड़ाई करके, तो जस मिला था ना आपको, और सहस्त्र बाहु के साथ तो आपने बराबरी की लड़ाई की थी, वही लड़ाई की थी ना, सहस्त्र बाहु ने उनको रस्सी बांध लगाया था गले पे और बंदर के जैसा बांध के रखा था थोड़ी देर तक, और वो कूद रहा था इधर उधर रावण, बाद में उसने छोड़ दिया उसको, इसलिए कह रहे कि सहस्त्र बाहु सन परी लड़ाई, आपकी लड़ाई सहस्त्र बाहु से हुई थी एक बार, और बाली के साथ लड़ाई करके आपने यश पाया था। सुनी कपि वचन बिहसी बिहरावा, हंस के उसने टाल दिया बात। जानो क्या क्या छोटी बात, पुरानी बातों को क्यों निकाल रहे हो, अभी देखो। प्रहस्त बोलने लगा, अरे तुम डरो नहीं, हनुमान जी कहां डरे थे। कहने लगे, खायहू फल प्रभु लागी भूखा, अरे भूख लगा इसलिए मैंने फल खाया। कपि स्वभावते तो रहू रूखा, अरे कपि का स्वभाव क्या है, पेड़ पौधा तोड़ना इसका तो स्वभाव ही है, रुखा सूखा पत्ता तोड़ा जो दिखिया तोड़ दिया, उसमें कपि का स्वभाव है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, ये जो देह है सबका स्वामी होता है, सबका प्रिय स्वामी, अरे मैं तुम्हारा भी वही है, रावण को कह रहे हैं, तुम हमको क्या बोल रहे हो, सबका देह है एक प्रिय स्वामी होता है। मार ही मोही कुमारगामी, मेरे को मारने आए कौन, कुमारगामी, खराब रास्ते पे चलने वाले लोग, कुछ आए कुछ उचक्के आए कुछ गुंडे लोग आए, पता है क्या रावण, मैं उधर फल फूल खा रहा था और अपने बानर स्वभाव से कुछ पत्ते वत्ते नोच रहा था कि तभी कुछ अंडरवर्ल्ड लोग आ गए, और वो लोगों ने क्या किया मेरे साथ पता है, वो लोगों ने मेरे को मारना चालू किया, भोले भाले बंदर को, फिर क्या किया, जिनी मोही मारा तो मैं मारे, अब वो मारे तो मैं भी मारा, अब मैं क्या करूं, मैं मार खाऊं, हाँ? तो यही पर बांधू तने तुम्हारे, इसके बाद भी तुम्हारा तने जो है बेटा मुझके बांध के लाया, देखो इतना भोला आदमी को भी तुम लोग सजा देते हो, अब मेरे को समझ में आया कि तुम लोग कौन हो, हम तो सुनते थे कि तुम लोग अंडरवर्ल्ड हो, लेकिन आज पता चल गया कि असली अंडरवर्ल्ड तुम ही लोग, फल खाने से पेड़ का पत्ता नोचने से तुम लोग गुंडा भेज के पिटवाते हो, और उसको अगर अपना प्रतिकार के लिए अगर रोके तो तुम उसको बांध के तुम्हारा बेटा यहाँ ले आता है, देखो। मोही न कुछ बांधे कई लाजा, कि न चहू निज प्रभु कर काजा, अरे मेरे को ये सब कुछ बांधता नहीं है, मैं तो प्रभु का काम के लिए यहां तक आ गया, नहीं तो तुम्हारे तक आता नहीं था। वो की फोटो तो प्रहस्त बोलने लगा, अरे तुम डरो नहीं, अगर तुम सच सच बता दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे, बताओ तुम कौन हो, वानर दिखते हो लेकिन तेज तुम्हारा वानर का नहीं है, सच सच बता दो तुमको हम जिंदा छोड़ देंगे।
हनुमान जी मन ही मन हंस रहे, यार तू क्या जिंदा छोड़ेगा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और अपनी मर्जी से जाने वाला हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। हनुमान जी कहने लगे, अरे मैं जात का वानर हूं, कहने लगे मैं जात का वानर हूं, मैंने सारे पेड़ों को उड़ाया है और मैं प्रभु राम का सेवक, मैं प्रभु राम का दूत हूं, और सुनो मैं आपके हित की वाणी कहता हूं। जदे भी कही कपी अति हित वाणी, बहुत हित की वाणी बोले कपी। क्या क्या बोले हित की वाणी? कहने लगे, के नचिद राम कार्य न आगत अस्मि तवांतिकम दूतो हमिति विज्ञाय राघवस्या तवजसा। कहने लगे, राक्षस हरिशत्वाम भ्राता कुशलम ब्रवीत, आपके भाई राजा सुग्रीव ने आपके लिए संदेश भेजा, इसके लिए मैं आया। रावण को भाई बोल रहे, सुग्रीव के भाई, अपने भाई नहीं, राजा सुग्रीव ने आपको भाई रावण को संदेश भेजा है। क्या संदेश है? कहने लगे, कुशल समाचार पूछा है आपका। क्या कुशल समाचार पूछा है? श्रुणु समादेशम सुग्रीव महात्मा, सुग्रीव का समाचार है, संदेश ये है कि दशरथ एक राजा हुए, दशरथ के राजा के एक बड़े पुत्र हुए राम। राम और लक्ष्मण जब जंगल आए अपनी पत्नी के साथ और जब वहाँ रहने लगे कुटिया बना के, एक दिन सीता जो है वो भ्रष्ट हो गई, गायब हो गई वहाँ से, कुटिया से दिखी नहीं। जब कुटिया से गायब हो गई, देखिए एक बात करने की शैली, देखिए रावण के सामने हनुमान जी की बात करने की शैली को जरा पकड़िए आप, कैसे बात कर रहे हैं। हनुमान जी कुछ जजमेंट नहीं कर रहे हैं रावण को, हनुमान जी ने जजमेंट नहीं लगाया, तुम रावण चोर हो, उचक्के हो, कुछ नहीं बोला उसको। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि सीता गायब हो गई, अब अपहरण हो गया कि क्या हो गया, इसके बारे में कुछ उन्होंने कहा नहीं। जब वो लोग आए, देखे कि सीता वहाँ गायब थी, वहाँ थी ही नहीं, और वो आगे निकले, आगे निकल के ऋषिमुख पर्वत पे आए। ऋषिमुख पर्वत पे आके उन्होंने सुग्रीव के साथ दोस्ती किया, सुग्रीव के साथ दोस्ती करके सुग्रीव ने बोला मुझे राजा बना दीजिए, और उन्होंने एक बाण से बाली को मारा। रावण अंडरलाइन करना है लाइन को, मैंने क्या बोला एक बाण से मारा रावण बाली को, जिस बाली ने तुमको एक बाण से दबाया था ये नहीं बोला उन्होंने और जब बाली को एक बाण से मारा तो सुग्रीव ने वचन लिया कि मैं सीता को खोजने का प्रण लेता हूँ। उसने लाखों बंदर अलग अलग डायरेक्शंस में भेजे, कुछ हवा में भेजे, कुछ पाताल में भेजे, कुछ उत्तर, कुछ पूरब, कुछ पश्चिम, कुछ दक्षिण। दक्षिण वाले बंदरों में से जो लाखों बंदर थे उसमें से एक बंदर 100 योजन समुद्र पार करके मैं इधर आया और यहाँ आके मैं खोजता रहा और तुम्हारे अंतःपुर में मुझे जनक नंदिनी सीता दिखाई पड़ी। तो रावण एक चीज बताओ, तुमने जितना तप किया है उसका कोई टक्कर है? आज तुम्हारे पास जो वैभव संपत्ति है सब तप के प्रभाव से तो खड़ा है, तपस्या के प्रभाव से तो तुम इतने बड़े शक्तिशाली योद्धा बने हो, और ये जो तुम काम किए तप है क्या? ये तप के लिस्ट में जोड़े हो? ये कौन सा तप किया है तुमने ये बार? अरे तप के प्रभाव से सुख मिल रहा है, तप के प्रभाव से तुम्हारे पास शक्ति आई है, तो तप का प्रभाव खत्म करके जल्दी क्यों मरना चाहते हो? क्यों नहीं तुम सीता को लौटा देते हो और सुख से रहो? क्यों ब्रह्मा के द्वारा जो वर तुमको मिला है उसकी तुम समझ क्यों नहीं ले रहे हो? ब्रह्मा ने तुमको क्या बोला था? नर से मर सकते हो, देव से तुमको अवैधता प्राप्त है, नर से नहीं और वानरों से भी नहीं। और सुग्रीव वानर है और राम जो है नर है, तो याद रखो तुम्हारी खातिर क्या हो सकती है, तुम्हारी गति क्या हो सकती है, तुम आगे समझ लो। और अगर तुम इनको लौटा दोगे तो बच जाओगे। राम के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि तीर चला दें तो सामने इंद्र, वरुण, चंद्र, सारे देवता एक तरफ, सारे राक्षस एक तरफ, रावण अकेले एक तरफ, सबको मार सकते हैं। और तीसरी बात याद रखो, खर दूषण को उन्होंने 2 घड़ी में मारा था। तो 3 पॉइंट याद रखना, हनुमान जी बोलते हैं, एक खर दूषण को मारा, दूसरा सुग्रीव से दोस्ती करके सेना के साथ लगाया, और तीसरा बाली को भी मारा। ये 3 पॉइंट समझ के अभी आप खुद विचार करो आपको करना क्या है, क्या आप करना चाहते हो आप समझ लो। यद्यपि कही कपि अति हित वाणी भक्ति विवेक बिरति नयसानी, जो वाणी बोले हनुमान जी भक्ति और विवेक से सनी हुई बात थी, एकदम लोटपोट होत अपरोत बातें उन्होंने कही, लेकिन बोला भी हसी महाभिमानी, लेकिन वो कहाँ साधारण आदमी था, महाअभिमानी व्यक्ति था, वो बहुत हंस के बोलने लगा। क्या बोलने लगा? मिला हम ही कपि गुरु बड़ा ज्ञानी,
अरे हमको ही गुरु मिला, कपि और ज्ञानी गुरु हमको ही मिल गया, हमको ही जो बानर गुरु मिले हमको ही मिले और किसी को नहीं मिले आज तक। गुरु तो बहुतों को मिलते हैं लेकिन बंदर रूप में गुरु बहुतों को नहीं प्राप्त होते, हमको ही प्राप्त हुए। बंदर भी गुरु होते हैं और रावण को ही मिले आके, मतलब सुबह से हमको कोई मिला नहीं, कपि ही बड़े ज्ञानी मिल गए। मृत्यु निकट आई खल तो ही, अरे खल, रावण बोलने लगा, अरे मूर्ख, अरे झूठे, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। लागे सी अधम सिखाव न मोही, अरे अधम, अरे पतित, तू मुझे सिखा रहा है, रावण बोल रहा है, हनुमान जी को पतित बोल रहा है, शुद्ध भक्त को बोल रहा है। देखिए, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना, मुझे ही उल्टा सिखा रहा है, मति भ्रम तोर प्रकट, तेरा मति भ्रम हो गया है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियान, हनुमान जी बोलने लगे, अरे तेरा मति भ्रम हो गया है, उल्टा कहने लगे हनुमान जी, कहने लगे कपि बहुत खुश खिसिया गए, गुस्सा हो गए। बेगे न हरहु मूढ़ कर प्राणा, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, तेरे तेव प्राण अभी जाने वाले। सुनत निशाचर मारन धाए, जितने सब एसोसिएट से रावण के पकड़ने आए उनको, सचिवन सहित विभूषण आए, तभी सचिवों के साथ सारे मंत्रियों के साथ विभीषण भी आ गए। हाँ, अब रावण ने कहा मारो इसको मारो, और ये तो सुनना था, निशाचर सब दौड़े उनको मारने के लिए कि विभीषण तुरंत वहां आ गए, सचिवों में प्रमुख, कहने लगे कि कभी भी नीति शास्त्र के अनुसार दूत का वध नहीं हो सकता, दूत का वध किसी यहां पे लिखा नहीं है, और तुम्हारे से क्षत्रिय के हाथ में तो कभी शोभा नहीं देता है। रावण बोला हाँ हाँ, ये बात सबको जज गया, सारे निशाचर बोले हाँ ये बात सही है, ऐसा कुछ करो कि मृत्यु के समान हो लेकिन मृत्यु ना हो, अंग छत कर दो, इसका इज्जत मिट्टी में मिला दो, ये सब कर सकते हो लेकिन मार नहीं सकते। नाई शीस करी विनय बहुता, सर झुका के उसने समझाना चालू किया, नीति विरोध न मार ई दूता, दूतों को नहीं मार सकते। आन दंड कुछ करिए गोसाई, और कुछ दंड करिए गोसाई, हे सेंस कंट्रोल्ड गोसाई, गोस्वामी जी रावण को कह रहे हैं, गोस्वामी जी कुछ और उपाय करिए, ये नहीं करिए। सभी ही कहा मंत्र भल भाई, ये मंत्र जो है, मंत्र मतलब मंत्री का दुया हुआ जो मंत्र होता है उपदेश, ये बड़ा बढ़िया है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, दस कंधे वाला मतलब तो दस सर वाला, दस कंधर हंस के बोला, अंग भंग कर पठाई बंदर, इसका अंग भंग करके बंदर को पठा दो, भेज दो। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहू लगाए। कपि की ममता जो है पूछ पे होती है, हनुमान जो बंदर होते हैं उनको पूछ बड़ा प्यारा होता है, पूछ पे उनकी इज्जत होती है ना, हर आदमी का इज्जत कहीं पे तो होता है, राजा का उसका मुकुट पे होता है ना, जो ऑफिसर लोग उनके कलम पे, उनकी कलम पे सारी उनकी रहती है, एक साइन मार देंगे तो क्या हो जाता है। कपि की जो ममता है पूछ पे होती है, पूछ उनका बड़ा प्यारा, पूछ पे उनका उनका जो फ्लैग है, उनका जो इज्जत है, उनका जो जिससे उनकी पहचान है, उनकी पूछ है। और हनुमान जी बराबर दिखाते हैं, जहाँ भी कुछ अच्छा हुआ पूछ पटकते हैं, ये बार बार ये प्रकरण आ रहा है ऐसा। अब बोले इसकी ममता इसके पूछ पे ही है ना, बड़ा पूछ पटक पटक के आवाज़ कर रहा था, पूछ को बोरी से बांधो, नया कपड़ा मत लगाना, बोरी होता है जो टाट गोनी, गोनी को बोरी कहते हैं, उससे ही बांधना और उस पर आग लगा दो, इसकी पूछ जल जाएगी, सारा इज्जत चला जाएगा। पूछहीन बानर तहां जाई, पूछहीन बानर जहां भी जाएगा, तब सठ निज नाथ ही ले आई, तब ये सठ जो है, ये चालू जो बंदर है, अपने नाथ को लेके फिर आएगा साथ में, बिना पूछ वाला बंदर। जिनके कीन हसी बहुत बड़ाई, जिनकी इसने अभी बहुत बड़ाई की है, देखूं मैं तिनके प्रभुताई, फिर मैं उसकी प्रभुता देखूंगा, कितना पावर है उसके अंदर जरा देख लूंगा उसके बाद, है ना। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। कपि हंसने लगे, मन ही मन मुस्काने लगे, बोले अरे मूर्खो अभी देखो क्या होने वाला है। जैसे देखते हो, जातु धन सुनी रावण वचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रावण के वचन सुन के मूर्ख लोग वही रचना करने लगे जो रावण ने कहा था, पूंछ बांधो तो बांधने लगे, तेल लगाया उसके ऊपर, पेट्रोल फेट्रोल लगाया रहेगा उसके ऊपर।
रहा न नगर बसन घृत तेला, घी और तेल लगाया, तेल में कौन सा तेल नहीं लिखा है लेकिन कोई तेल लगाया। बाड़ी पूछ की न कपी खेला, लेकिन कपी ने क्या खेल किया, पूछ को बड़ा करने लगे, अब पूछ बड़ा तो कपड़े और लगने लगे। शरीर छोटा करने लगे, पूछ बड़ा करने लगे, तो हनुमान जी भी एकदम अलग अलग गेम कर रहे हैं उनके साथ। वो लोग बांधे जा रहे हैं। कौतुक कह आए पुरवासी, अब ये मजा देखने के लिए सब लोग आ गए कि ऐसा बंदर आया है, इसका पूंछ बड़ा हो रहा है, शरीर छोटा हो रहा है, कपड़े पे उसको आग लगाया जा रहा है, उसका भी तमाशा देखने वाले सब लोग वहां पे खेल देखने आ गए। मार ही चरण कर रही बहु हासी, कोई उनको मारे ही चरण, कोई अरे मरेगा अभी देखो, अभी सब हंसने लगा, अभी मरने वाला है, देखो देखो। बाज ही ढोल दे ही सब तारी, सब ढोल बजा बजा के ताली दे रहे, अभी ये बंदर मरेगा देख। सब राक्षस लोग घूम घूम के, सारे राक्षस के बच्चे, उनकी बच्चियाँ, राक्षस राक्षसियाँ, बूढ़े राक्षस, बूढ़ी राक्षसियाँ, सब लोग आ गए देखने तमाशा के। एक बूढ़ा बंदर, एक बंदर उसको जलाया जाने वाला है, पूरे रावण लंका के लोग सब आ गए देखने के। बाज ही ढोल दे ही सब तारी, नगर फेरी पुनी पूछ प्रजारी। पहले इसको नगर में घुमाते हैं एक चक्कर, फिर जलाएंगे इसको, पहले दिखा देते हैं कि क्या कहाँ मरेगा ये। नगर को घुमाया गया, उनको प्रदक्षिणा कराया गया। पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। उनको वहां पे उनको आग लगाया, उनको पीछे उनको आग लगा दिया गया। जब हनुमान जी ने देखा, भय परम लघु रूप तुरंता, तुरंत उन्होंने अपना रूप जो है लघु और परम, छोटे बड़े रूप को करने में तो महारत उनके अंदर थी, करने लगे। नींबू की चढ़ई कपी कनक अटारी, भई सभी त निसाचर नारी। बड़ा उन्होंने विकट रूप धरा और उसके ऊपर चढ़ गए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 तरह के हवा होते हैं। देखिए 29 तरह की अग्नि होती है, 49 तरह की हवाएं होती, ठीक है। जैसे अग्नि में भी अलग अलग प्रकार की अग्नि होती है। जब कोई शमशान में जो अग्नि जलती है वो अलग होती है, विवाह के समय जो अग्नि जलती है वो अलग होती है, यज्ञ के समय जो अग्नि जलती है, दीक्षा के समय वो अलग होती है, ठीक है। और जो जो गैस पे जो अग्नि जलती है वो अलग होती है, लकड़ी की अग्नि अलग होती है, गोबर की अग्नि अलग होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की अग्नि अलग होती है, पेट की अग्नि अलग होती है, ऐसे 29 तरह की अग्नि होती है, ठीक है। एक अग्नि एक नहीं है, वैसे ही हवा 49 एक कम 50 49 तरह की हवाएं होती है। मरुदगण, जो इंद्र ने जो मरुद 49 बनाए, वो मरुदगण 49 हैं, तो 49 तरह की हवाएं चलती हैं, ठीक है, एक दो तरह की नहीं, और हर हवा की अलग विशेषता है और अलग अलग प्रकार से चलती है। 49 तरह के सारे पवन वहां प्रकट हो गए, ऊपर से नीचे चलने वाले, दाएं से बाएं चलने वाले, गोल गोल चलने वाले, गोल गोलों के बीच में लेने वाले, गोल गोल चल के बाहर जाने वाले, अलग अलग प्रकार की हवाएं चलने लगी। अट्टाहस करी गरजा कपी बढ़ी लागी आकाश, कपी इतने बढ़ गए जैसे आकाश बन गए पूरे ऐसे, और लगे सबको जलाने, इधर से उधर कूदने लगे, हनुमान जी सबको जलाने लगे, लंका के विभिन्न अट्टालिकाओं पे चढ़ने लगे। हनुमान जी ने लंका को धू 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 करके जलाना चालू किया। अब आगे हनुमान जी कैसे लंका वासियों को कैसे इतने विभत्स रस को अनुभव करवाएंगे, इसकी चर्चा हम आगे देखेंगे। और कैसे